अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। लोगों को पता है कि हमारा जो सारा बेस का मटेरियल होता है, जिसमें प्राइमर, मॉइस्चराइज़र, बेस या आप कोई भी बेस इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ लूज़ पाउडर का होना कितना ज़रूरी है। और आप लोग हर बार कोई अच्छा लूज़ पाउडर ढूंढने करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपका जो लूज़ पाउडर है उसने आपका मेकअप सेट करना होता है। तो मैं आपकी मुश्किल आसान करने के लिए ले आई हूँ अमीलिया ब्रांड का लूज़ पाउडर। आपने बहुत सारे लूज़ पाउडर इस्तेमाल किए होंगे, मिडोरा, काफ़ी सारे, लेकिन जो अमीलिया ब्रांड का मुझे जो इनका अच्छा लगा था, उस जैसा लूज़ पाउडर कोई नहीं है। इनका जो टेक्सचर है और जो ये कवरेज करता है, इतनी अच्छी कवरेज है। जो लूज़ पाउडर है वो हमारे मेकअप का एक तरह का फिक्सर होता है, ठीक है। उसके बाद देखें, अब आपने बेस लगाई है तो बेस को ये अपनी जगह सेट कर देता है। अब मैं आपको इनकी ही जो बेस है, माउथ बेस, वो जो है लगाकर लगाने का तरीका, सब कुछ उसका रिव्यू मैंने आपको पहली वीडियो में दिया है, वो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको उसके ऊपर ये लूज़ पाउडर अप्लाई करके दिखाती हूँ। बहुत ही कम क्वांटिटी ली है इसमें, आप देख सकते हैं। ब्रश के साथ ही मैंने लगाया, आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी इसको लगा सकते हैं और फिर उसके बाद ब्रश से डस्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, लूज़ पाउडर ये नहीं होता लगाकर आप फ़ौरन डस्ट आउट कर दें, आपने लगा के इस तरह छोड़ देना होता है। उसने जितना लेना होता है, मतलब जितनी उसकी होती है, वो अपने अंदर कर लेता है और फिर आपने बाकी सारा डस्ट आउट कर देना होता है, ठीक है, ये तरीका। और इसके बाद आपकी बेस कहीं भी नहीं, अभी आप डिफरेंस देख सकते हैं। और ये बेस इतनी कमाल थी इनकी कि इन्होंने जो इनका रियल कलर भी था और जो भी इनके स्पॉट वगैरह थे, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे, ठीक है। और आप ये लूज़ पाउडर देख सकते हैं, इसकी पैकिंग भी बहुत कमाल है और इसका जो जार है, मतलब बहुत ही अच्छी, मतलब क्वालिटी में इन्होंने आपको मटेरियल भी देते हैं, कमाल है।